नमस्कार दोस्तों संडे स्पेशल स्पेशल स्टोरी अभी नीतीश कुमार ने पिछले एक सप्ताह में सारे विपक्ष के नेताओं से संपर्क किया और 2024 के लिए कुछ ठोस बनाने की कोशिश की हालांकि उससे कुछ ठोस बनता हुआ नजर नहीं आ रही है ममता बनर्जी अलग राह पर चल रही है टीआरएस अलग राह पर चल रही है बाकी सभी दल अलग अलग राह पर हैं किसी ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है राहुल गांधी एक यात्रा के साथ लगभग पूरे देश का ही दौरा करने वाले हैं अगले डेढ़ सौ दिनों में तो अभी कुछ 2024 के लिए विपक्ष की ओर से कुछ कंस्ट्रक्टिव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है लेकिन बीजेपी ने अपना प्लान तैयार कर लिया है आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगले लगभग अट्ठारह महीनों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव दो के लिए क्या तैयारी कर रही है और उसने अभी तक कितना होमवर्क कर लिया है और कितना काम होना बाकी है इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया गया है और उस प्लान का पूरा खाका मैं आपको आज तरीके से समझाने जा रहा हूँ देखिए 2014 में और 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी का 21 सीटों का फर्क सामने नजर आया 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी ने 21 लोकसभा सीटें ज़्यादा जीती थी जबकि मैसेज ये जा रहा था कि शायद अपनी पिछली सफलता को भारतीय जनता पार्टी नहीं दोहरा पाएगी लेकिन बीजेपी के पास टीम है बड़े बड़े नेता हैं उन सब ने एक प्लान किया और उस प्लान के तहत जब इसको एग्जीक्यूट किया गया तो कई चीज़ें सामने निकल कर आई लेकिन 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं कुछ एलाइज बदल गए हैं कुछ गठबंधन टूट गए हैं शिरोमणि अकाली दल हो गया अलग इसके अलावा शिवसेना अलग हो गई नीतीश कुमार अलग हो गए तो जिन राज्यों में बीजेपी ने पिछली बार गेन किया था उन राज्यों में इस बार बीजेपी माइनस में जाने की एक आ, अपनी आशंका जता रही है दूसरे जैसे पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीटें जीत ली थी लेकिन इसके बाद 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी उतने प्रचंड बहुमत से वहाँ पर अपनी सरकार बनाने में विफल रही जितनी की उसकी उम्मीद थी अमित शाह सोच रहे कि हमारी दो सीटें आएंगी लेकिन दो सीटें नहीं आई सत्तर पचहत्तर सीटें आई जरूर बढ़ोतरी जरूर की प्रमुख विपक्षी पार्टी जरूर बनी लेकिन जिन 18 लोकसभा सीटों को पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जीता था उनके सभी विधानसभा क्षेत्रों पर पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकी ये एक सच है तो बीजेपी को लग रहा है कि शायद वहाँ भी हम माइनस में जाएंगे तो इस तरीके से एक खास तौर से ये लग रहा है कि अगर हम इन स्टेट्स में से कुछ सीटें हारते हैं तो हमारी चालीस पचास सीटें कम हो सकती हैं अब इन चालीस पचास सीटों की भरपाई ऐसी जगह से करनी होगी जहां पर बीजेपी ने पिछली बार सफलता नहीं हासिल की थी पार्टी ने 144 ऐसी सीटें फाइनल की हैं जो बीजेपी ने अब तक नहीं जीती हैं या पिछले चुनावों में पिछले दो चुनावों में नहीं जीती हैं कभी पहले जीती हों तो वो अलग बात है और इन एक सीटों में से कम से कम सत्तर पिछहत्तर सीटें जीतने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है और उसे एग्जीक्यूट करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है अभी मई महीने में मई मही महीने से 2024 तक अगर बात करें तो दो साल की दो साल का अंतर बैठता है लोकसभा चुनाव में और अभी से एक तैयारी चल पड़ी है मई मही के महीने में पार्टी के जो महासचिव हैं संगठन के बी संतोष उन्होंने एक प्रजेंटेशन दिया था पार्टी को पार्टी के सीनियर लीडर्स को जो इन 144 सीटों के बारे में था 15 पेजों की एक रिपोर्ट तैयार की गई थी कि इन सीटों पर हम कितने कितने अंतर से हारे थे किन सीटों को हम क्यों नहीं जीत पाए क्या इनके रीजन है हम किस तरीके से इन सीटों को जीत सकते हैं इन सब का प्रजेंटेशन पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं अमित शाह नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह बाकी इन सबकी की नड्डा इन सबकी मौजूदगी में एक प्रजेंटेशन दिया गया और एक प्लान बनाया गया किस तरीके से हम इन सीटों को जीत सकते हैं उस प्लान के तहत कई चीज़ें तय की गई थी उसमें कुछ चीज़ें कुछ सीटें भी तय की गई थी कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो हमें हर हाल में जीतनी ही हैं जो कि दूनी दूसरी पार्टियों का गढ़ बन चुकी है और बीजेपी बीस बीस 25 पच्चीस साल से उन सीटों को नहीं जीत पाई है इनके बारे में आपको वीडियो के अंतिम सेगमेंट में बताऊंगा लेकिन फिलहाल जो योजना है वो योजना मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगले अट्ठारह महीनों के लिए एक योजना तैयार की गई इसमें तीन लेयर का प्रोग्राम तय किया गया है तीन लेयर का प्रोग्राम ये होगा कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को डिप्यूट किया गया है इन लोकसभा सीटों में जैसे एक सीटें हैं चालीस के करीब जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं उनमें से दो दो तीन तीन लोकसभा सीटें सबको अलॉट की गई हैं दूसरी लेयर में उस राज्य में जिस राज्य की वो लोकसभा सीट है वहाँ के सीनियर लीडर्स और वहाँ के जो आ, क्या कहना चाहिए कि पूर्व सांसद हैं या वर्तमान सांसद हैं या स्थानीय है, लोकल लीडर्स हैं विधायक हैं उन क्षेत्रों के उनकी एक लेयर तैयार की गई है और फिर केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों का एक विशेष दल तैयार किया गया है उनकी एक कमेटी बनाई गई है यानी कि राष्ट्रीय स्तर का एक नेता वहाँ निगरानी करेगा और एक केंद्रीय मंत्री जाकर लोकल लीडर्स और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच में एक सामंजस्य बैठाने का काम करेगा और इस तरीके से तीन लेयर का एक प्रोग्राम बनाया गया है इसके कुछ पार्ट पर एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया गया है यानी कि कुछ पार्ट इसका रिहर्सल के रूप में अभी पिछले दो तीन महीनों में जुलाई अगस्त और सितंबर में इसका अजमाइश भी की गई है और इनमें से कुछ खास खास सीटों के बारे में आपको मैं बताऊंगा भी कि क्या उन पर ग्राउंड वर्क हुआ है तय यह किया गया है कि जितने भी प्रभारी मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री हैं वो इन इन इलाकों में जाकर यानी इन लोकसभा सीटों में जाकर रात्रि विश्राम करेंगे और पंद्रह दिन में कम से कम एक बार जरूर जाएंगे यानी कि एक महीने में दो चक्कर सबको जरूर लगाने हैं और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आएंगे वो चक्करों का सिलसिला बढ़ना शुरू हो जाएगा इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है इसका रीज़न ये है पार्टी ये जानना चाहती है कि इन क्षेत्रों में आखिर चल क्या रहा है पिछले चुनावों में हम क्यों नहीं जीत पाए इस चुनाव में अगर हम जीतना चाहते हैं तो कैसे जीतेंगे किसको प्रत्याशी बनाया जाए केंद्रीय स्तर का नेता अगर वहां पहुंचता है तो उसे कम से कम लोगों के साथ घुलने मिलने का समय चाहिए और इस समय के दौरान ही इस समय अवधि के दौरान ही वो इन सब चीज़ों को एक प्लान के रूप में केंद्रीय नेतृत्व के सामने ला सकता है कि मैंने वहाँ पर जाकर ये महसूस किया और ये चीज़ें सामने निकल कर आई हैं साथ ही साथ अगर केंद्रीय मंत्री बार बार वहाँ दौरा करेगा तो उस क्षेत्र उस क्षेत्र में पार्टी की मजबूत पकड़ बनेगी अब देखिए जैसे अश्वनी वैष्णव है केंद्रीय रेल मंत्री केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को सहारनपुर का प्रभारी बनाया गया सहारनपुर बिजनौर नगीना तीन विधानसभा तीन लोकसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया पिछले दिनों वह सहारनपुर में गए सहारनपुर में उन्हें लोगों ने ये कहा कि साहब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं तीनों सीटें बीजेपी हारी है 2019 में और इन इन सीटों पर पहले बीजेपी के सांसद थे तो अश्वनी वैष्णव से सहारापुर के लोगों ने कहा कि साहब हमें दिल्ली के लिए एक ट्रेन चाहिए और अश्वनी वैष्णव ने दस पंद्रह दिन के अंदर ही यहाँ पर ट्रेन चलवा दी तो इससे यहाँ मैसेज लोगों के बीच में ये गया कि साहब हमारे भले ही यहाँ पर सांसद बीजेपी का नहीं है लेकिन पार्टी का पूरा फोकस इन पर है इसके अलावा बिजनौर में गए अश्वनी वैष्णव बिजनौर में एक नई रेल लाइन की बात उन्होंने कही कि हम रेल लाइन का सर्वे कराएंगे और एक नई रेल लाइन मंजूर करने की बात भी उन्होंने कही कई और इस तरह की बातें कही तो ये तय किया गया कि ये सभी मंत्री अपने क्षेत्रों में जाएंगे साथ ही वहाँ ये भी देखेंगे जिन लोकसभा क्षेत्रों में ये गए हैं उन लोकसभा क्षेत्रों में जो विधानसभाएं हैं कौन कौन सी हमने जीती हैं कहाँ हम मजबूत हैं कहाँ हम कमज़ोर हैं ये रिपोर्ट हमें बनाकर वो केंद्रीय नेतृत्व को देंगे साथ ही साथ कास्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जातीय आंकड़े कलेक्ट करना कहाँ पर कौन सी कितनी जाति है हालांकि इस पर तीनों लेयर के लोग काम करेंगे राज्य स्तर की टीम भी बनाई जाएगी लेकिन अक्सर राज्य स्तर की जो टीम होती है वो गलत रिपोर्ट तैयार कर देती हैं होता क्या है कि सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं और कास्ट का जो फैक्ट है फैक्टर्स हैं वो कई बार दरकिनार कर दिए जाते हैं कि साहब फला जिस जीत पर ब्राह्मण इतने हैं फला पर ओबीसी इतने हैं उसमें दस बीस हज़ार का फर्क भी अगर कर दिया जाए तो टिकट बदल सकता है लेकिन केंद्रीय मंत्री या केंद्र स्तर का नेता अगर वहाँ दौरा कर रहा है और बार बार जा रहा है क्षेत्र में और अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहा है वहाँ के समाज के मौजूद लोगों से मिल रहा है या पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के यहाँ जा रहा है घर में उनके भोजन कर रहा है तो उसे तरह तरह का फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के माध्यम से वो कोशिश करेगा वो देखेगा कि जो राज्य से रिपोर्ट आ रही है राज्य के स्तर की जो टीम रिपोर्ट दे रही है और जो उसने अपने स्तर पर कलेक्ट किया है उनमें क्या फ़र्क है और इसी से आने वाले तमय समय की जो विधान लोकसभा चुनाव हैं उनका फोरकास्ट भी तय किया जा सकेगा कि हम किस सीट को किस तरीके से जीत सकते हैं अभी हाल ही में 6 सितंबर को एक रिव्यू मीटिंग हुई जेपी नड्डा भी उसमें मौजूद रहे अमित शाह मौजूद रहे नरेंद्र मोदी मौजूद थे कई और दिग्गज नेता उसमें मौजूद थे और इस मीटिंग में इस प्लान का रिव्यू भी किया गया कि इसमें अब तक क्या हुआ है और इसमें पहले चरण की समीक्षा हुई क्योंकि ये सारे केंद्रीय मंत्री अपने क्षेत्रों में एक एक बार दौरा करके आ चुके हैं इन सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी और ये बताया जाता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा सब जगह की रिपोर्ट संतोषजनक मिली है और उन अमित शाह ने सबको निर्देश दिए हैं कि आप अपने यहाँ रात्रि प्रवास पर फोकस करें वहाँ पर जाकर ये जरूर देखें कि जो केंद्र की लाभकारी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री आवास योजना है या राशनिंग योजना है या दूसरी जो योजनाएं केंद्र की तरफ से चलाई जा रही हैं वो उन क्षेत्रों में सही तरीके से एग्जीक्यूट की जा रही हैं या नहीं और जो वहाँ लाभार्थी हैं उन तक लाभ पहुँच रहा है या नहीं ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस चीज ने बहुत फायदा पहुंचाया था राशनिंग व्यवस्था किसान सम्मान निधि योजना इन सब चीजों का एक अंडर करंट था और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो चमत्कार हो गया था इसका इतना लाभ बीजेपी को मिला था तो सबसे ये जरूर फोकस किया गया है कि आप लोग रात्रि प्रवास जरूर करें और साथ ही साथ पार्टी के किसी आम कार्यकर्ता के घर पर जाकर दोपहर का भोजन करें या रात्रि का भोजन करें और लोगों से जनसंपर्क करें इसके लिए कई चीज़ें चल रही हैं देखिए जो धर्मेंद्र प्रधान हैं केंद्रीय मंत्री उन्होंने कई जगह पर भोजन किया और अपनी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी की और ये सबको कहा गया है कि आप सब लोग जहाँ भी जाएँ किसी के घर पर भोजन करें और ख़ासतौर से दलित और जो छोटी जाति के कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह वर्धन किया जाए जिससे कि वो लोग आपके साथ जुड़ सकें इस पर ख़ासतौर से फोकस किया गया है इसके अलावा अश्वनी वैष्णव धर्मेंद्र प्रधान के अलावा महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री जो उत्तर प्रदेश से आते हैं इन्होंने भी सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें अपनी शेयर की हैं भोजन करने वाली इसके अलावा इस जो अभी रिव्यू मीटिंग हुई इसमें 6 सितंबर को इसमें जितने भी केंद्रीय मंत्री इन सब ने कहा कि ये बढ़िया प्लान है इससे हमें फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने कहा कि इस प्लान को आगे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि जो केंद्रीय योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना है उसका सही मायने में निगरानी इसके माध्यम से हो पा रही है और ये एक बढ़िया प्रयास है और आने वाले समय में एक सीटों पर इन मंत्रियों से ये भी कहा गया है कि आप संभावित नाम भी हमें सुझाएं कि अगर इन सीटों को जीतना है तो यहाँ पर किसे किस जाति के व्यक्ति को या किसी पूर्व नेता को या जो प्रत्याशी पिछली बार था उसे रिपीट किया जाए या नहीं इन सब के बारे में हमें आप विस्तार से बचाएँ बताएँ कार्यकर्ताओं से वहाँ संपर्क करें कार्यकर्ताओं से ही फीडबैक लें और आगे की रिपोर्ट तैयार करें इसके अलावा इन सभी क्षेत्रों में मीडिया इंचार्जों की तैनाती की जा रही है लोकल लेवल के पुराने पत्रकारों को दिग्गज पत्रकारों को मीडिया इंचार्ज बनाया जा रहा है वो क्या काम करेंगे कि वो बीजेपी और जो लोकल मीडिया है वहाँ के स्थानीय मीडिया हाउस हैं या वहाँ के लोकल अखबार हैं जिनकी वहाँ पर लोगों में पहचान है उन सब से संपर्क रखेंगे एक ट्यूनिंग रखेंगे केंद्रीय मंत्रियों की दौरों की और साथ ही साथ संगठना संगठन की भी और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो मीडिया हाउस उनके खिलाफ़ हैं या बीजेपी के खिलाफ वहाँ पर लिखते हैं या बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनकी नाराज़गी की वजह क्या है उनकी नाराज़गी की वजह जानने की कोशिश की जाएगी और उन्हें मनाने की कोशिश भी की जाएगी इसके अलावा जो वहाँ पर आईटी सेल हैं लोकल हर लोकसभा क्षेत्रों में खासतौर से इन एक लोकसभा क्षेत्रों में एक आई सेल को एक्टिवेट करने का प्लान बनाया गया है कि आप सोशल मीडिया पर जाइए फेसबुक पेज बनाइए वहाँ पर पार्टी का ट्विटर अकाउंट बनाइए इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाइए और सबको दिसंबर माह तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कम से कम पचास पचास हज़ार फॉलोअर्स बनाने का एक टारगेट दिया गया है और इसके अलावा जो भी गतिविधियां पार्टी इन क्षेत्रों में कर रही हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करने का एक प्लान बनाया गया है इसी रिव्यू मीटिंग में अमित शाह ने एक बात और भी कही उन्होंने कहा कि इन एक सीटों में से फिफ्टी सीटें यानी कि बहत्तर सीटें जीतना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है जितने भी दिग्गज नेता इस मीटिंग में मौजूद थे सबसे अमित शाह ने यह भी कहा कि आप सब लोग चाहें तो आसानी से इन सीटों को जीता जा सकता है आपके पास अनुभव है कैलिबर है और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव किस तरीके से जीते जाते हैं और लड़े जाते हैं और अगर आप सभी लोग प्रयास करेंगे तो इसमें सफलता मिलना हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यानी कि जिन जो लॉस मैंने शुरू में कहा कि पार्टी को होने जा रहा है आने वाले समय में चाहे वो पश्चिम बंगाल में है बिहार में है या फिर महाराष्ट्र में है या फिर पंजाब में है उस लॉस की जो 30 40 50 सीटें हैं उसकी रिकवरी इन एक सीटों में से कुछ सीटें जीतकर की जा सकती है इससे दो काम होंगे एक तो अगर 309 सीटें इस बार नहीं आती हैं तो 309 में से अगर घटती हैं सीटें तो उसकी रिकवरी इन एक सीटों में से कर ली जाएगी और पार्टी का एक हर हाल में ये लक्ष्य भी है कि पिछली बार का जो 300 प्लस का आंकड़ा है उससे नीचे किसी भी स्तर में किसी भी हालत में पार्टी का आंकड़ा इस बार ना जाए तो इसलिए 2024 के लिए एक बड़ा प्लान यह तैयार किया गया है वैसे इसका जो दूसरा चरण है वो अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है इसके अलावा कुछ एक खास बात और इसमें बताना चाहूंगा मैं आपको कुछ सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जो चिन्हित की गई है ये सीटें ऐसी हैं जो पार्टी कभी जीत नहीं पाई है या पिछले तीन चार चुनावों से उसके लिए जीतना उन्हें बड़ा कठिन साबित हो रहा है या किसी बड़े राजनीतिक नेता का वो गढ़ है देखिए जैसे रायबरेली अमेठी को पिछली बार स्मृति ईरानी ने जीत लिया था राहुल गांधी वहाँ से चले गए केरल वायनाड शिफ्ट हो गए अब पता नहीं इस बार वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लेकिन रायबरेली की सीट जहाँ से सोनिया गांधी सांसद हैं कई दशक से जीत रही है लगातार कांग्रेस और उस सीट को जीतने के लिए बीजेपी के पास कोई खास प्लान है नहीं और इस सीट पर खास तौर से एक बड़ी जिम्मेदारी तय की गई है इस पर देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनको इस पर फिक्स किया गया है कि आपको ये सीट हमें जितवा कर देनी है रायबरेली की एक कांग्रेस की विधायक लोकल अदिति सिंह उनको पार्टी में मिलाने की योजना है कि उन्हें पार्टी में मिला लिया जाएगा और उसके बाद उन्हें अगला चुनाव लड़वाया जाएगा लोकसभा का ये एक प्लान पिछले दिनों सामने आया था ये भी तय आया था सामने कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं क्योंकि सोनिया गांधी लंबे समय से अस्वस्थ हैं तो या तो प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो फिर हो सकता है कि अमेठी सीट से राहुल गांधी वापस आए या फिर अमेठी सीट को होल्ड करने के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाए तो इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर को फोकस किया गया है कि आप केवल रायबरेली को कैसे जिताना है इस बार इस पर फोकस करें दूसरी एक महत्वपूर्ण सीट और है मैनपुरी उत्तर प्रदेश की इसको भी पार्टी जीतना चाहती है यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जहाँ से सांसद हैं इस सीट को भी लंबे समय से पार्टी ने नहीं जीता है दूसरे एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है महाराष्ट्र की बारामती इसके बारे में मैं आपसे विस्तार से बात करना चाहूँगा बारामती सीट शरद पवार की अपनी पर्सनल सीट है यहाँ से लगातार उन्नीस से शरद पवार की पार्टी यहाँ से जीतती आ रही है और दो से उनकी बेटी सुप्रिया सुले लगातार तीन बार से यहाँ से सांसद हैं इससे पहले उन्नीस में, में अजीत पवार जो इनके भतीजे हैं शरद पवार के वो भी यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुके हैं इसके बाद एन बन गई थी और उसके बाद से ये सीट एन के पास रही है पाँच बार शरद पवार यहाँ से सांसद रहे हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ डेढ़ लाख वोटों से आ रही थी और जबकि कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ मैदान में नहीं था क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि कांग्रेस ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये अपने बड़े बड़े नेताओं के सामने विरोधी दलों के नेताओं के सामने प्रत्याशी नहीं उतारते जैसे मैनपुरी है मैनपुरी से कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था रायपुरी से राय रायबरेली से सपा का बसपा का प्रत्याशी नहीं था एक दूसरे से की हेल्प करते हैं कि जिससे बड़े नेता कम से कम चुनाव जीतते रहे बारामती सीट का प्रभारी बनाया गया है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन को निर्मला सीतारमन हाल ही में वहाँ पर दौरा करके लौट आई हैं उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है कई कार्यक्रमों में उन्हें वहाँ पर शिरकत भी की लोगों से संपर्क भी किया और इस सीट को जीतने के लिए उनके पास बहुत बड़ा प्लान तो नहीं है निर्मला सीतारमन ग्राउंड लेवल की इतनी बड़ी नेता तो नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी निर्मला सीतारमन ने वहाँ पर दौरा किया है और वहाँ को सीट को किस तरीके से निकाला जा रहा जा सकता है इस बारे में एक प्लान पार्टी के पास दिया है और इसके अलावा निर्मला सीतारमन को तेलंगाना की कुछ सीटों की भी जिम्मेदारी दी गई है आपको याद होगा कि निर्मला सीतारमन जब वहाँ गई थी तेलंगाना में तो वहाँ पर उन्होंने लोकल एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिला अधिकारी को डांट डपट भी की थी कि आप जो राशनिंग की दुकानें हैं उन पर प्रधानमंत्री के पोर्ट्रेट्स पोस्टर्स क्यों नहीं लगवाए गए हैं जबकि राशनिंग का जो सारा सिस्टम है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है तो निर्मला सीतारमन वहाँ दौरा करके लौट चुकी हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बंगाल की जिम्मेदारी गई है तीन चार सीटों की खासतौर से नॉर्थ बंगाल की सीट और नॉर्थ बंगाल की सीटों में भी एक जाधवपुर सीट है खासतौर से जाधवपुर सीट जो टीएमसी के पास लगातार है उन्नीस सौ अट्ठानवे निन्यानवे से टीएमसी सीट को लगातार जीत रही है केवल बीच में एक बार 2004 में सीपीआईएम ने ये सीट जीती थी और 2019 में बीजेपी के डॉक्टर अनुपम हाजरा यहाँ से चुनाव हारे थे तीन लाख वोट से और बंगाली फिल्म अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती यहाँ से सांसद हैं लोकसभा की और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान यहाँ लगातार जा रहे हैं उन्होंने दौरा भी किया है मैंने आपको जो तस्वीरें दिखाई थी सोशल मीडिया पर वो साथ में उनके एक वो जो वहाँ की महिला नेता हैं अभी आसनसोल में जो चुनाव लड़ी थी शत्रुघ्न सिन्हा के सामने वो भी उनके साथ तस्वीर में आपको नजर आ रही थी इन्होंने किसी कार्यकर्ता के घर पर जाकर भोजन भी किया था और वहाँ पर इन्होंने रात्रि विश्राम भी किया था अश्विनी वैष्णव के बारे में आपको बताए ही चुका हूँ कि तीन सीटें उन्हें उत्तर प्रदेश की दी गई हैं पिछले बार सात आठ सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में हारी थी इसलिए बीजेपी चौंसठ सीटों पर आ गई थी यहाँ जबकि दो में यहाँ सत्तर से अधिक सीटें जीती थी इस बार बीजेपी अस्सी की अस्सी सीटें जीतने की प्लान उत्तर प्रदेश के बारे में बना रही है तो उस पर मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि अश्विनी वैष्णव बिजनौर और सहारनपुर होकर आए थे एक और जो महत्वपूर्ण सीट मैं आपको बताना चाहता हूं गिरिराज सिंह वहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं छिंदवाड़ा सीट छिंदवाड़ा सीट है मध्य प्रदेश की जहाँ से कमलनाथ के बेटे सांसद हैं इस सीट को छिंदवाड़ा का प्रभारी गिरिराज सिंह को बनाया गया है ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये छिंदवाड़ा में हाल ही में पिछले महीने अगस्त महीने में ये दौरा करके आए हैं और कमलनाथ को चैलेंज करके आए हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पंचायत राज मंत्री हैं केंद्रीय ग्रामीण मंत्री और इनको बस्तर और कोरबा दो सीटें छत्तीसगढ़ की दी गई हैं और उड़ीसा की एक सीट है नबरंगपुर ये इनको दी गई है छिंदवाड़ा सीट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि छिंदवाड़ा सीट बीजेपी ने कभी नाइनटीन uh, में सुंदर पटवा जो मध्य प्रदेश के बीजेपी के सबसे बड़े नेता हुए हैं अभी तो शिवराज सिंह चौहान को आप कह सकते हैं लेकिन उनसे पहले सुंदरलाल पटवा एक बड़े नेता हुए हैं उन्होंने 1997 में ये सीट जीती थी और उसके बाद से ये सीट बीजेपी नहीं जीत पाई है उन्नीस से कमलनाथ यहाँ से लगातार एम हैं और दो में उन्होंने अपने बेटे नकुल को यहाँ से टिकट दिलवाया और उन्हें जितवाया भी और बीजेपी के नत्थन शाह केवल सैंतीस हजार वोटों के अंतर से ये सीट हारे थे तो बीजेपी को यह लग रहा है कि अगर गिरिराज सिंह जैसे तेज तर्रार आदमी को वहां पर एक्टिव किया जाएगा तो वो ये सीट आसानी से जीत सकती है तो इसी वजह से इन सब केंद्रीय मंत्रियों को इन क्षेत्रों में एक्टिवेट कर दिया गया है सबको कहा गया कि आप जाइए लोगों से संपर्क कीजिए ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट लेकर आइए और फिर अक्टूबर में इस कार्यक्रम की फिर से समीक्षा की जाएगी तो प्लान बड़े लेवल पर बन रहा है इसके बारे में और बहुत सारी डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में एक वीडियो में उसको डिस्कस किया जाना संभव नहीं है लेकिन दो के लिए बीजेपी ये देखते हुए कि विपक्ष का कोई मूवमेंट बन सकता है कहीं पर और भी जो राजनीतिक समीकरण है कुछ और राज्यों में भी बदल सकते हैं आने वाले समय में अगले लगभग डेढ़ साल के अंतर्गत लगभग सात आठ राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें हो सकता है कि कुछ जगह बीजेपी को लॉस भी हो उसको भी कवर करना है और 2024 को फोकस करते हुए बीजेपी ने ये एक बड़ा प्लान तैयार किया है और उसको इस तरीके से एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए संडे स्पेशल में हमारा टारगेट यही रहता है कि अक्सर ऐसे टॉपिक पर हम बात करें जिस पर हम पूरे सप्ताह में जिक्र नहीं कर पाते कोई करंट अफेयर्स वाली बड़ी खबर हो जाती है तो उस पर भी हम जिक्र कर लेते हैं इसमें लेकिन अक्सर एक एनालिसिस टाइप की अलग टाइप की स्टोरी संडे स्पेशल में करने की योजना रहती है और इसलिए इसके इसकी समय अवधि भी थोड़ी कम रखी गई है वरना रोजाना रात दस बजे का शो जो है हमारा वो चालीस पैंतालीस मिनट के करीब का होता है संडे स्पेशल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और अगर एपिसोड अच्छा लगे वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब 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 नहीं किया तो तो जरूर कर कर लीजिए और लिया है तो नोटिफिकेशन के लिए कमेंट के से मुझे और के ये वीडियो आपको कैसा लगा अगले सप्ताह संडे स्पेशल में फिर मुलाकात होगी नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात हर्षी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड uh, मेरे मित्र भी हैं तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है uh, बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ एंड uh, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं सो कंग्रेचुलेशन हर्ष जी एंड आप लोग ज़रूर देखिए लाइक कीजिए हर्ष की बात